सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय मेवाड़, जय उदयपुर। खूबसूरत दृश्य के साथ फिर एक बार हाजिर हो आपके चैनल गोविंदलाल ओड पर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का ये दृश्य है, जहाँ पर इस सर्दी के मौसम में, यानी हम देखें कि सर्द मौसम में तो सिर्फ सर्द हवाएं चलती है, लेकिन सर्द मौसम में आपको झीलें ओवरफ्लो दिखाई दे रही है, चलते फुहारे बैठे हुए सामने कबूतर, ये और भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, उदयपुर का खूबसूरत दृश्य है, आइए यहाँ पर आज मछली एक्वेरियम भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आग बगीचे सारे हैं, काफ़ी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। साइकिलिंग आप यहाँ कर सकते हैं, अपनी साइकिल किराए लेके आप पूरा यहाँ पे 16 किलोमीटर लंबा जो है पूरा आप राउंड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कितनी खूबसूरत और साफ सफाई की दृष्टि से देखिए, कुछ भी यहाँ पर गंदगी जो नाम की कोई चीज़ नहीं है, साफ सफाई बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चना जोर गर्म था भी बड़ा आनंद। ऊपर देखिए बादल जो है वो भी अभी लगातार बने हुए हैं, और लगातार ये देखिए फतेह सागर का दृश्य। बहुत ही गजब दृश्य आप देख रहे हैं, शानदार। सामने नीमच माता, देखिए बिल्कुल ही साफ सुथरा पानी, 1% इसमें कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, फोटोग्राफी करते हुए कपल यहाँ दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी शेयर कराता हूँ वहाँ तक। ऊपर देखें आसमान में जो है अभी भी बादल स्लोली स्लोली छाए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। चना जोर गरम का आनंद पूरा ले सकते हैं। उधर सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा है, पूरा गजब, बच्चों के लिए खिलौने, वाह भाई वाह, बहुत ही गजब है यहाँ का व्यू। और ये सामने पूरा फतेह सागर दिखाई दे रहा है, पूरा लास्ट तक दिखाई दे रहा है जहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत है, शाम को लाइटिंग के बाद और भी ज़बरदस्त लगता है। डूबता हुआ सूरज जो है वो दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता अस्त होते हैं, और बड़ी सी नाव वो आती हुई दिखाई दे रही है आपको, स्लोली स्लोली इस तरफ बढ़ती हुई, और वॉक करते हैं यहाँ के नगरवासी। हर एक दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, और सबसे अच्छा है यहाँ का पानी। पानी आप देखें कि बिल्कुल कचरा नहीं है यहाँ पर, कोई कीचड़ कचरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम साफ सुथरा वातावरण है, साफ सुथरा माहौल है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और यह बोती बंगरी आपको यहाँ पर ऊपर फोर्ट में महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है, घोड़े सहित वो मिलेगी, बिल्लू राणा की तस्वीरें, मूर्तियाँ, अन्य जो जितने भी सेनानी थे उस समय लड़े थे उस ज़माने में उनके सब है। बहुत ही खूबसूरत फ्लैग देखें आप, बहुत बड़ा है हमारा तिरंगा। वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और चना जोर गरम यहाँ की बहुत फेमस है, ये भाई साहब जा रहे हैं चना जोर गरम का आनंद जरूर ले आए, वो करते हुए यहाँ पर सैलानी है। और सामने देखिए वोटिंग जो है, बड़ी वोटिंग है, इसमें सैलानी खूब इस फतेह सागर में घूमने का जो है वो पूरा आनंद उठाते हैं। थोड़ा सा पास से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए देगा।
तो साथियों आप आए तो वोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आप सुबह 8 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग का पूरा आनंद जो है वो लिया जाता है, घूमने का आनंद। यहाँ पर आप देखें तो 8 बजे तक ये पूरा सेल पेल यहाँ पर रहता है, 8 से 9 बजे तक पूरा यहाँ पर बाजार लगता है। सामने देखेंगे आपको पानी पूरी, भुट्टे, जो आपकी मनपसंद डिक्स है वो आगे मुंबईया बाजार है वहाँ आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएगी, खाने पीने में चाउमीन पिज़्ज़ा जैसी सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। बहुत बड़ा राजस्व जो है यहाँ का ये हमारा फतेह सागर जो है नगर निगम को देता है, UIT नगर निगम, बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है। तो दोस्तों देखते रहे खूबसूरत वीडियो को, देख लाइक करते रहे, शेयर करते रहे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ताकि उदयपुर घूमने आए तो किन किन बातों का रखना है ध्यान पूरा बताएं उनको। तो जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय राजस्थान।